मैं सिप्रा अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे यहाँ तो गणेश भगवान का आजकल एकदम जश्न मन रहा है, बहुत ही सारा घूम रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी मस्ती कर रहे हैं तो मैं भी आजकल उसका वीडियो नहीं बनाई हूँ। फिर भी मैं देखती हूँ, अगर ये होता है तो थोड़ा बहुत ज़रूरी दिखाऊँगी। और देखिए आज आपको क्या रेसिपी लेके आ रही हूँ, जो कि आप बना के खा सकते हो गणेश भगवान के ये में थके हारे आओ और घर में बनाओ और मस्ती करो तो मज़ा ही आ जाता है। तो और मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। इसको प्लीज़ मत भूलिए कि आपको वो लाइक करना है, आप लाइक करिए मेरी वीडियो को और शेयर भी करिए। और मैं देखिए कि मैं क्या आपको आज दिखाती हूँ, मस्ती है, मिजाज है और इसमें बहुत ही फनी, मैंने थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोग को वीडियो। तो फिर आप लोग देखिए कि मैं अपने वीडियो में क्या क्या आपको दिखाती हूँ और उसमें एक छोटा सा रेसिपी तो जरूर भी डालूँगी जो कि आप लोग को फ़ायदेमंद हो। तो इसके साथ मेरा वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ और आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर चिल्ली, जो कि मैं यहाँ अपना ये कट कर रही हूँ। अब मैं इतना आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ, आप जैसा भी शेप देख सकते हो। तो मैं इतना ही आज बना रही हूँ, तो इसको ऐसे मैं करके छोटा छोटा ही पीस करूँगी क्योंकि खाने में वही अच्छा लगता है, एक बार मैं उठा के और खा लूँ। तो मैं ऐसे ऐसे करके और इसका पूरा मैं ये देखिए, ये मैं पूरा के पूरा मैं अपना काट ली हूँ। और प्याज देखिए, प्याज आप सोचोगे कि कैसे ऐसे मैं कर ली हूँ, तो इसको आपको एक प्याज लेना है जो कि छील लेना है, इसको बीच में से काट के फिर इसको इधर करके और इसको ऐसे चार मैंने भाग में इसको पहले काट लेना है, फिर बीच वाला को ऐसे निकालना है। ये देखिए उड़ रहा है और इसको ना पूरा को अलग अलग आपको कर लेना है, तभी ये अच्छा लगेगा ऐसे। तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं पूरा इधर कर ली हूँ, लेकिन आप सबको थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए मैं सोची कि एक रख ही लेती हूँ। तो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो फिर अब बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज बच्चे लोग का फरमाइशी है जो कि इसको, तो मैंने इसको बना रही हूँ और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। सेम टू सेम उसी तरह शिमला मिर्च को पहले बीच में से फाड़ लेना है, इसको भी चार प्रकार का मैंने चारों तरफ से इसको चार कली में बांट लेना है। और ऐसे ऐसे आप जैसे पीस बड़ा चाह रहे हो तो बड़ा कर लेना, छोटा चाह रहे हो तो छोटा, जैसे कि ये है बीच में से मैं निकाल के आधा निकाली, फिर ऐसे इसी तरह जैसे प्याज को काटना है एकदम सेम टू सेम इसको भी उसी तरह काट लेना है। लेकिन ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें चिल्ली, ग्रीन चिल्ली ले ली हूँ जो कि हरा मिर्च बोलते हैं इसको, तो इसको मैं फाड़ के बीच में से ऐसे कर ले रही हूँ। ये तो बहुत तीखा होगा लेकिन फिर भी। और इसमें क्या क्या पड़ेगा ये देखिए, कॉर्नफ्लो है, तो ये ना कॉर्नफ्लो है जो कि इसमें ये मिक्स करके इसमें डाल के और इसको तलते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत ही टाइट हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको तो पहले ही रख देती हूँ। और इसमें डालने वाला चीज जो कि ये है रेडी, ये रेड चिल्ली सॉस, इसको डालूंगी 2 चम्मच। और फिर ये सोया सॉस है, इसको डालूंगी। और ये है ग्रीन चिल्ली सॉस, तो इसको भी डालूंगी स्वाद के अनुसार आपको बताऊंगी। और ये रहा टोमेटो सॉस जो कि मेरे बच्चे लोग का फेवरेट है, तो इसको तो मैं जितना चाहूँ उतना डाल सकती हूँ, आपको मैं बता दूंगी कि कितना इसमें पड़ेगा। तो ये देखिए एक मैं कढ़ाई को अपना रख ली हूँ, उसके बाद से मैं इसमें तेल डालूंगी जो कि मैं इसमें ये रिफाइंड ऑयल है, उसको मैं डाल के इस पनीर को मैं हल्का सा मैं इसको तलूंगी। ये देखिए इसको ज्यादा नहीं तलना है, मैं आपको दिखा रही हूँ तो हल्का सा ब्राउन होगा तभी मैं निकाल लूंगी, क्योंकि ज़्यादा एकदम आप वेट कर दोगे ना तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है।
तो इसलिए हल्का सा मस्तिष्क का मैंने कलर चेंज होने तक ही आपको रेस्ट करना है। तो मेरा ये पक रहा है, तो ये देखिए हल्का हल्का हो रहा है। मैं और थोड़ा सा और इसको ब्राउन करूँगी, क्योंकि अभी एक साइड का हुआ है, मैं जस्ट इसको पलटी हूँ और दूसरा राउंड और हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए मेरा इस प्रकार ये हो गया है, जो कि उतना रेड भी नहीं हुआ है और ज़्यादा ये नहीं। तो मैं फ्लेम को कर रही हूँ लो, और इसको मैं आराम से निकालूँगी क्योंकि पनीर बिल्कुल ही ताज़ा है। तो मैं ऐसे करके फिर इसी थाली में इसको निकाल ले रही हूँ। और आपको कस्टर्ड पाउडर वाला रहेगा तो इसको डीप फ्राई करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जो कि मेरे को नहीं अच्छा लगता है, नहीं मेरे बच्चे को अच्छा लगता है। तो हम लोग होटल में भी खाते हैं तो हम लोग एकदम इसी तरह के खाने खाते हैं। तो फिर मेरा ये हो गया। तो ये देखिए मैं ये इसी तेल में, मेरे को कुछ नहीं करना है, ये चिल्ली है जो कि इसको मेरे को डाल लेना है। अब तुरंत मैं दोनों को इसी में अब भी डाल दूँगी। पनीर है इतना, और इसको मैं डाली हूँ क्योंकि मेरी बेटी है उसको ज़्यादा प्याज पसंद है और शिमला मिर्च, इसलिए मैं थोड़ा सा, लेकिन ये बराबर ही रहता है, जितना ये आपको पनीर रहेगा उतना ही शिमला मिर्च, जैसे कि एक पाव पनीर आप मंगाए हो तो एक पाव आपको प्याज डालना है और एक पाव शिमला मिर्च आपको डालना है। तो मेरा थोड़ा सा एक पाव से पनीर कम है, लेकिन एक एक पाव ये है। इसको दोनों को सॉटे कर लेंगे, और इसको ज़्यादा आपको नहीं भूनना है, तो आप बस इसको देखते रहिए। मैं इसको थोड़ा सा ढाँप के एक राउंड पका ले रही हूँ क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ा सा पक जाए। तो ये देखिए ये पूरा मेरा हो गया है, इसमें ये पट पट की आवाज़ आ रही है, तो समझ जाओ कि ये पूरा अच्छे से हो गया है। इसको ज़्यादा हमको लाल और ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, तभी ये हाफ एकदम ये हुआ है। तो ये देखिए मैं रेड चिल्ली सॉस डाल रही हूँ, जिसमें मैं 2 चम्मच डाल लूँगी। ये है ग्रीन चिल्ली, तो इसको भी मैं 2 ही चम्मच डाल लूँगी, थोड़ा सा तीखापन बना रही हूँ। और ये मेरा सोया सॉस है, तो बस इसको 1 ही चम्मच डालूँगी। हमारे यहाँ बिना हल्दी का कोई चीज़ नहीं बनता है, तो इसमें बस थोड़ा सा मैं हल्दी को ऐड करूँगी, और इसमें थोड़ा सा ही आपको 1/2 स्पून मैं ये सॉल्ट नमक को डाल रही हूँ, इससे अधिक नहीं इसमें डालना है। और ये देखिए एकदम आपको गैस को एकदम मीडियम, एकदम लो ही रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है। तो ये देखिए ये मेरा हो गया। और ये तो मैं टोमेटो सॉस तो मैं आपको बोली हूँ, मेरे यहाँ तो पूरा इसमें 1 लीटर भी आप डाल दोगे तो खा लेंगे। तो इसमें मैंने ये नहीं करूँगी, लेकिन आपको अगर तौल के दान मैंने आपको अगर ऐसे डालना है तो आपको 4 चम्मच इसमें डालिए, 2-2 चम्मच वो सब और ये 4 चम्मच, लेकिन मैं इसमें डालने वाली हूँ बहुत सारा सॉस। आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, तो ये देखिए। और उसके बाद से ये देखिए मैं इसको कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम है, इसको ज़्यादा आप तल दोगे तो ये नहीं होगा। और इसी में इसको भी ऐड करना है, और इधर मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी मेरे को ये दूसरी तरह चाहिए। तो ये देखिए
मेरे तरह से एक बार आप लोग जरूरी ट्राई करिएगा और खा कर बताइएगा मेरे को। मेरे को तो अब हम तो चल रहे हैं इसको सर्व करने के लिए, मैं चल रही हूँ, शाम का समय है तो बहुत ही। पनीर चिल्ली है और आपको ऐसे और ऐसे इसको लेना है और खाना है। वाह, हाथ एक बार जरूर बनाइएगा। डाल रही हूँ और ले चल रही हूँ अपने बच्चे लोग और अपने हस्बैंड के लिए, और आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी खाइए और एंजॉय करिए हम लोग के जैसे। ये देखिए हम चारों दियादिनों का मस्ती भरी। वीडियो देखकर आप लोग एंजॉय कर लिए होंगे, तो इसी के साथ साथ बाय, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कमेंट जरूर करिए। इसी के साथ साथ बाय।